बिट्टू क्या मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे एक महीना हो गया है बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का और वो भी फ्री। समझे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान 690.82 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3.49 लाख मेट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में 102.98 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,31,247.46 करोड़ रुपए का भुगतान। 695.23 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद। खरीद 2020-21 और रबी 21 के तहत 2,97,219 किसान लाभान्वित। 7,75,354.54 मेट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद। नए एफपीओ की योजना की समीक्षा बैठक। देश में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन बनने से किसानों की बढ़ेगी आय। बांस की खेती और उद्योग को सरकार का प्रोत्साहन। विशेषज्ञों ने कहा अर्थव्यवस्था में बांस का रहेगा बड़ा योगदान। ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि, गांव और डिजिटल कनेक्ट मुहिम को किया लॉन्च। 100 दिनों में 1,500 गाँव बनेंगे मुहिम का हिस्सा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हाल ही में रबी विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों में गेहूं की खरीद शुरू हुई है, जैसे कि पिछले सत्रों में होती रही है। और अब तक 690.82 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 3.49 लाख मेट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। इस खरीद से 4,45,520 किसान लाभान्वित हुए हैं। गेहूं की खरीद हाल ही में रबी विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों में शुरू हुई है, जैसे कि पिछले सत्रों में होती रही है। और अब तक 690.82 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 3.49 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। इस खरीद से 4,45,520 किसान लाभान्वित हुए हैं। 1,31,247.46 करोड़ रुपए का भुगतान करके खरीद कार्यों से लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 107.08 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई है। खरीफ 2020-21 और अभी 2021 के तहत 5 अप्रैल 2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 4,75,354.54 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 2,97,219 किसानों को 2,512.79 करोड़ रुपए की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 5 अप्रैल 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई है।
इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन फसलों की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतजाम कर रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए एफपीओ योजना की समीक्षा की बैठक के दौरान कहा कि देश में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनने से किसानों की आय बढ़ेगी। देश भर में करीब 6,600 ब्लॉक हैं और हरेक ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ बनाया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 2,500 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, देश में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन बनने से किसानों की आय बढ़ेगी। इन एफपीओ के बनने से छोटे किसानों को काफी सुविधाएं होगी। देश भर के लगभग 6,600 ब्लॉक है और इनमें हरेक में कम से कम एक एफपीओ बनाया जाएगा, जिससे किसानों को सुविधाएं मिलने के साथ खेती की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 2,500 एफपीओ बनने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एफपीओ की स्कीम को व्यवस्थित और पारदर्शिता से क्रियान्वित करने एवं सुलभ जानकारी के लिए एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा। श्री तोमर ने कहा कि एफपीओ के गठन के कार्य से जुड़ी सभी एजेंसियां एकजुटता व समन्वय के साथ योजना की कल्पना को साकार करें। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश भर के किसानों को इसका पूरा लाभ मिले। 10,000 एफपीओ बनाने पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। बैठक में कृषि राज्य मंत्री परशोत्तम रूपाला व श्री कैलाश चौधरी ने भी विचार रखे तथा सुझाव दिए। कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल ने योजना की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में बताया गया कि शहद जैसे उत्पाद विशेष के एफपीओ भी बनाए जाएंगे, ऑर्गेनिक उपज के एफपीओ भी बनेंगे। ये एफपीओ बनने से छोटे व सीमांत किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी व उन्हें मार्केटिंग में लाभ मिलेगा। एफपीओ को 18 लाख रुपए की दर से 3 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी। इक्विटी अनुदान सुविधा भी मिलेगी, जिसमें 15 लाख रुपए की मैचिंग इक्विटी ग्रांट होगी। इसी तरह ऋण गारंटी कोष के जरिए प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक कोलैटरल की फ्री गारंटी सुविधा केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में बनने वाले एफपीओ में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 300 जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 की जानी है। एफपीओ को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए सदस्यों के रूप में छोटे सीमांत और महिला किसानों व महिला एसएचजी एससीएसटी किसानों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों आदि को शामिल करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह योजना प्राथमिक रूप से उपज क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर है। एफपीओ के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एफपीओ को या तो कंपनी अधिनियम या कोई राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा। मौजूदा एफपीओ एनपीएमए की ऋण गारंटी सुविधा एवं ज्ञान सहायता का लाभ ले सकते हैं। 15% लक्षित एफपीओ का महत्वाकांक्षी जिलों में गठन किया जाना है, जो एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा पर केंद्रित होंगे। कौशल विकास व क्षमता निर्माण के लिए बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान लखनऊ लक्ष्मण राव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकेडमी गुरुग्राम प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय नोडल संस्थान होंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है।
बांस को एक मामूली चीज समझा जाता था, लेकिन विशेषज्ञ इसे बहुत महत्वपूर्ण वस्तु मानकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 के बाद की परिस्थितियों में बांस उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण घटक में से एक है। पूर्वोत्तर में तो 35% जमीन पर बांस की ही खेती होती है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ पूर्वोत्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में इससे बने उत्पादों का बहुत बड़ा बाजार है। यही वजह है कि सरकार बांस को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है। देखिए, बांस एक पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो बांस के प्रोडक्ट्स हैं, बैम्बू प्रोडक्ट्स हैं, वैसे उसकी बास्केट हो, अब तो बैम्बू का फैब्रिक भी बनने लग गया है, बैम्बू के पैनल बन रहे हैं जो दीवारों में लगते हैं, और उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट में बैम्बू का एक अहम स्थान है। और नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि 35% एरिया जो है वहाँ पे बैम्बू कल्टीवेशन होता है, वहाँ पे लगता है, नेचुरली ग्रोन भी है और खुद भी लगाया जा रहा है। इसके नज़र रखते हुए सरकार ने सबसे पहले जो एक अहम काम किया है, आपको हैरानी होगी कि 1927 में फॉरेस्ट एक्ट था जिसमें बैम्बू को एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट माना जाता था। उसको केंद्रीय सरकार ने, मोदी सरकार ने, जब से इन्होंने बैम्बू को एक अहम स्थान दिया है, बैम्बू का बैम्बू के साथ रिलेटेड जो भी ट्रेड है उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने एक संशोधन लाए संविधान में जो 2017 में हुआ, उसमें बैम्बू प्रोडक्ट को फॉरेस्ट प्रोडक्ट से निकाल के एक घास की उसमें गिना गया, उसकी श्रेणी में गिना गया। उससे क्या हुआ कि जो प्रतिबंध लगे हुए थे कि बांस काटने पे उसको कमर्शियल यूज़ करने के लिए, वो प्रतिबंध हटने के बाद नॉर्थ ईस्ट में एक जो मेजर बदलाव हमने देखा वो ये है। अब उससे पहले 2017 से पहले जो अगरबत्ती बनने के लिए बांस आता था इंपोर्ट किया जाता था, सरकार ने लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बैम्बू जो स्टिक्स आती थी उस पर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, ताकि जो लोकली प्रोड्यूस बैम्बू है नॉर्थ ईस्ट से उसका प्रयोग इस इंडस्ट्री में किया जाए। आपको एक हैरानी होगी जान के कि 2019 के बाद एक भी बैम्बू स्टिक इम्पोर्ट नहीं हुई है। उसके बाद जो बदलाव हमने देखा है, आज की तारीख में पूरे नॉर्थ ईस्ट में 25,000 से ज़्यादा यूनिट हैं जो सिर्फ अगरबत्ती की स्टिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बैम्बू से, और पूरे देश में सप्लाई कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए, 25,000 यूनिट का मतलब एक यूनिट के साथ अगर 10 लोग भी जुड़े हुए हैं तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ वो नहीं हुआ कि बैम्बू स्टिक बना दिया, उससे जो जुड़ी इंडस्ट्री है, पैकेजिंग की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, हर चीज़ से ये जुड़ गया। और इतना सक्सेसफुल रहा है ये कि अब भारत सरकार इसी बैम्बू प्रोजेक्ट को जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अभी किया है, ये बैम्बू स्टिक का प्रोजेक्ट जो है, इसको J&K में भी लाना चाहते हैं और उत्तराखंड में भी लाना चाहते हैं। बेंगलोर में जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैम्बू रिसर्च सेंटर है, उसके तहत लोगों को नॉर्थ ईस्ट में वो स्पेशल ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया गया है, ताकि लोग बैम्बू से जुड़े और चीज़ें बना सकें, जैसे बैम्बू पिलर्स बन रहे हैं, बैम्बू को कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, बैम्बू को जो जो फर्नीचर के लिए तो यूज़ हो ही रहा है, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से जो आता है केन फर्नीचर वो बैम्बू से ही बना हुआ होता है, मगर बैम्बू से जो है अब फैब्रिक कपड़ा भी बनना शुरू हो गया है जो इस्तेमाल किया जा रहा है सब जगह, तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उसका सारा जो लिंक, इट्स इज लिंक विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम पूरा डेवलप करने जा रहे हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, या जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, अगर हम उनको प्रोसेस भी कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग हो रही है अपनी लोकल मार्केट के अलावा, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसके लिए आपका एक्सेस होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अब क्योंकि म्यांमार में जो अब मौजूदा हालात हैं उसमें शायद थोड़ा और टाइम लगे, मगर ये एक दूसरा ऑल्टरनेट रूट जो है, जो चिटागांव पोर्ट की कनेक्टिविटी मिली है जी, उससे बहुत
फायदा होगा पूरे नॉर्थ ईस्ट को। अब सितंबर तक एक और रेलवे लाइन खुलने जा रही है, उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा, जो अगरतला से अखौरा जो है बांग्लादेश में है, वहां से ये आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है सीधी कोलकाता तक। आपको बताऊंगा मैं एक और बात, अभी तीन या दो साल पहले इसराइल सरकार ने एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किया था मिजोरम में, जो पूरे रीजन में क्या पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा ये वो है फूड प्रोसेसिंग सेंटर, जिसमें सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू संतरा ये जो हैं सब इनका प्रोसेस करके इनका पल्प बनाया जाएगा, इनका जूस निकाला जाएगा, इनकी टेट्रा पैकिंग हो जाएगी। तो ये सारे जो हैं ये सारे जो फ्रूट प्रोड्यूसर्स हैं, जो क्योंकि पहले ऐसे डिस्टेंस की वजह से ये लोग अपना सामान बेच नहीं पाते थे, मार्केट तक नहीं पहुंच पाते थे, अब ये ऑर्गेनाइज वे में पूरी फूड प्रोसेसिंग होके उसको रखा जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में पैशन फ्रूट बहुत होता है, आपको पैशन फ्रूट पूरे यूरोप में बहुत एक महंगा फल माना जाता है। अच्छा। दिल्ली में भी एक पैशन फ्रूट की कीमत जो है 100 से 150 रुपए की होती है, सिर्फ एक फ्रूट की जी। जो अबंडेंस में है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में है, मणिपुर में है, मेघालय में है। तो ये सब जो फूड प्रोसेसिंग का जो काम शुरू हुआ है, इसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक गोल्डन चैप्टर खुलने वाला है। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। ट्राइफेड ने 1 अप्रैल से संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट मुहिम लॉन्च की है। 100 दिनों तक चलने वाले इस मुहिम में 150 टीमें हिस्सा लेंगी। ट्राइफेड के अलावा इनमें राज्य एजेंसियों, मॉनिटरिंग एजेंसियों और दूसरे भागीदारों की 10-10 टीमें शामिल होंगी। हर टीम 10 गांव का दौरा करेगी। इस तरह 100 दिनों में 1500 गांव को कवर किया जाएगा। इस मुहिम का उद्देश्य चिन्हित गांव में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। ट्राइफेड की गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम संकल्प से सिद्धि लॉन्च की गई। गांव एवं डिजिटल कनेक्ट पहल की सफलता के बाद जिस दौरान 2021 के प्रारंभ में ट्राइफेड के देश भर के क्षेत्रीय अधिकारियों ने उल्लेखनीय जनजातीय आबादी वाले चिन्हित गांव का दौरा किया तथा विभिन्न कार्यक्रमों तथा पहलों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण किया। जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने अब संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम लॉन्च की है। 1 अप्रैल 2021 से आरंभ 100 दिनों की इस मुहिम से 150 टीमें जुड़ेंगी, जिनमें से प्रत्येक 10 गांवों का दौरा करेगी। प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव तथा देश में 1500 गांवों को अगले 100 दिनों में कवर किया जाएगा। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना है। ट्राइफेड ने समाज के वंचित जनजाति वर्गों की सहायता के लिए कई पहलों को लागू किया है। उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए गौण वन उपज की मार्केटिंग के लिए तंत्र तथा MFP के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास, जो वन उपज के संग्रहकर्ताओं को MSP उपलब्ध कराता है तथा मूल्य वर्धन करता है, और जनजातीय समूहों और क्लस्टरों तथा वन विकास केंद्रों के जरिए विपणन करता है कि स्कीम को देश भर में व्यापक स्वीकृतता प्राप्त हुई है। विशेष रूप से 2020 में महामारी के दौरान ये स्कीम जनजातियों के लिए रामबाण साबित हुई है। MFP के लिए MSP स्कीम का उद्देश्य जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए उचित मूल्य, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन आदि सुनिश्चित करने के लिए एक संरचना की स्थापना करना है। साथ ही उपज की शीघ्र नष्ट होने वाले प्रकृति, धारण क्षमता की कमी, विपणन अवसंरचना का अभाव, बिचौलियों द्वारा शोषण एवं सरकार द्वारा समय पर कदम उठाए जाने जैसी जनजातियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए संसाधन आधार की निरंतरता सुनिश्चित करना भी है। इन 1500 गांवों में BDVK के सक्रिय हो जाने के बाद इस पहल के परिणाम स्वरूप अगले 12 महीनों के दौरान 200 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। दौरा करने वाली टीमें स्थानों की भी पहचान करेंगी तथा वृहद उद्यमों के रूप में ट्राइफेड एवं स्फूर्ति इकाइयों के रूप में क्लस्टरिंग के लिए संभावित BDVK का चयन करेंगी। वे जनजातीय कारीगरों तथा अन्य समूहों की भी पहचान करेंगी और उन्हें आपूर्तिकर्ता के रूप में पैनल में शामिल करेंगी, जिससे कि ट्राइब्स इंडिया नेटवर्क, भौतिक विक्रय केंद्रों तथा tribesindia.com दोनों के जरिए उनकी बड़े बाजारों तक पहुंच सुलभ हो सकेगी।
ऐसी उम्मीद की जाती है कि संकल्प से सिद्धि देश भर में जनजाति परितंत्र के पूर्ण परिवर्तन को प्रभावी बनाने में सहायता करेगी। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। खेती में किसान भाइयों को अनेक तरह की समस्याएं होती है। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मुंबई से सवाल आया है, हमारे एक दर्शक हैं, किसान हैं, जो कि जानना चाहते हैं कि क्या ग्रीन हाउस में पपीते की खेती की जा सकती है, क्या वो इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं और क्या इससे लाभ होगा, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर डब साहब? पपीता एक ऐसी फलदार वृक्ष है जिसके अंदर कुछ विषाणु रोग लगते हैं और विषाणु रोग काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं और विषाणु रोग वहां ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जहां पे नमी ज़्यादा हो, मौसम गर्म हो। तो बॉम्बे का जो मौसम है वो इसी प्रकार का है कि वहां पे वर्षा काफ़ी होती है, नमी काफ़ी रहती है, गर्मी भी रहती है, तो इससे विषाणु लोगों के रखने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में या तो हम ऐसी किस्म का प्रयोग करें जिसमें कि विषाणु रोग कम लगते हों, अन्यथा हमें पपीते को ऐसी स्थिति में उगाना पड़ेगा जहाँ पे विषाणु रोगों से हम फसल को बचा सकें। और विषाणु रोगों से फसल को बचाने के लिए जो ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस 2-3 किस्म के होते हैं। इसमें एक नेट हाउस होता है, इंसेक्ट प्रूफ नेट लगता है, जिसके अंदर अगर हम पपीते की खेती करते हैं तो जो कीड़ा विषाणु रोगों को फैलाता है वो नेट हाउस के अंदर नहीं घुस पाएगा। और पहले से अगर उसमें वो कीड़ा नहीं होगा तो आगे बीमारी नहीं फैलेगी और आपको अच्छी फसल मिल जाएगी। तो आप नेट हाउस के अंदर पपीते की खेती कर सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस के अंदर मैं पपीते की खेती के मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि उसमें एक तो लागत ज़्यादा आती है, दूसरा पौधा क्योंकि थोड़ा गर्म रहता है अंदर, गर्म रहने की वजह से पपीते में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगी और फल अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो लेकिन नेट हाउस के अंदर आप पपीते की खेती करते हो तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। सेड नेट में भी पपीते की खेती नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें पूरा प्रकाश अंदर नहीं जाता है, तो पौधे को पूरा प्रकाश चाहिए, तो उसके लिए आप नेट हाउस में पपीते की खेती कर सकते हैं। अन्यथा दूसरी किस्म के स्ट्रक्चर में पपीते की खेती करना ठीक नहीं है। लेकिन पपीते की खेती में पानी का भी एक आपको सही से प्रबंध होना बहुत जरूरी है, इसलिए ड्रिप इरीगेशन का सिस्टम अगर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी नवाज साहब, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल हमारे दर्शक समझ चुके होंगे कि पॉली हाउस में पपीते की खेती संभव नहीं है या फिर कहें कि ज़्यादा लाभदायक नहीं है क्योंकि लागत इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ऐसे में नेट हाउस का वो चुनाव करें। उम्मीद करते हैं इस जानकारी से हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा अग्रणी संस्थान है। यहाँ के संयुक्त निदेशक विस्तार डॉक्टर बी एस तोमर ने सब्जी फसल के उन्नत बीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किसान बहनों भाइयों, ना सिर्फ सब्जी फसलों की हम बात करें बल्कि हरी पत्तेदार सब्जियों की भी अगर बात की जाए, इनके ज़रिए भी काफ़ी फ़ायदा जो है हमारे किसानों को होता है और बड़े पैमाने पर इनकी खेती की जाती है। लेकिन इनकी उपलब्धता के लिए हमारे पूसा स्थित शाखा विज्ञान संभाग किस तरीके से काम करता है, कैसे बीज उत्पादन जो है गुणवत्तापूर्ण हो ये सुनिश्चित करता है, इस बारे में और जानकारी के लिए आइए बात कर लेते हैं संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बी एस तोमर से। डॉक्टर तोमर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में कई सब्जियाँ आती हैं, उन्हीं में से एक है
अगर पालक की हम बात करते हैं, क्योंकि अमूमन ना सिर्फ पोषण के लिहाज से भी अगर देखा जाए, स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है पालक की फसल, लेकिन किसानों को आर्थिक रूप से और अच्छा मुनाफा दे सके इसके लिए ज़रूरी कि उन्नत बीज उनको दिया जाए, क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, साग विज्ञान संभाग ने पिछले कई वर्षों में, दशकों की बात करें तो हमने देश को पालक के अंदर 3 किस्मों को उपलब्ध कराया, जिसमें आल ग्रीन, पूसा भारती और पूसा ज्योति, ये 3 पालक की किस्म है। इसी तरह से हमने साग सरसों में पूसा सागवन का विकास किया, मेथी में पूसा अर्ली बंचिंग है, कसूरी मेथी है। अगर हम बात करें पत्तेदार सब्जियों में चुलाई लाल चुला, पूसा लाल चुलाई और पूसा किरण और पूसा कीर्ति, ये किस्में हमारे संभाग के द्वारा विकसित की गई। और इनके पीछे हमारी जो सोच थी ये थी कि जो हमारे पोषण विशेषज्ञ हैं ये अपनी रिकमेंडेशन करते हैं, सिफारिश करते हैं कि हमें प्रतिदिन 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोई भी खाने के लिए एक ही तरह की पत्तेदार सब्जी को ना तो हम पूरे साल उगा सकते हैं और ना ही उसको रोज़ाना खा सकते हैं, इसलिए हमारे खान पान में विविधता की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संभाग के द्वारा पालक में, मेथी में, साग सरसों में और इसमें चौलाई के अंदर पत्तेदार सब्जी किस्मों का विकास किया, जिसमें पालक की आल ग्रीन एक किस्म है जो अखिल भारतीय स्तर पर इसका विमोचन हुआ है, 1975 में इसका विमोचन हुआ था और तब से ये पूरे भारत के हर राज्य में अगर पालक की खेती होती है तो उसमें पूरा योगदान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का कि उन्होंने इन उन्नत किस्मों को दिया और ये किस्में आज देश के कोने कोने में उगाई जा रही हैं। तो इसका हम गुणवत्ता बीज किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस दिशा में हमारा संभाग ब्रीडर सीड पैदा करता है, ब्रीडर सीड को पैदा करके हम राष्ट्रीय बीज निगम को और दूसरी प्राइवेट कंपनियों को या किसानों को उपलब्ध कराते हैं ताकि किसान उसको आगे वृद्धि करके दूसरे किसानों को उपलब्ध करा सकें। राष्ट्रीय बीज निगम का इसमें विशेष योगदान रहा है और प्रति वर्ष राष्ट्रीय बीज निगम 2500 से 3000 क्विंटल पालक की आल किस्म का बीज का विपणन करता रहा है। और हमने भी अपने संभाग में संस्थान के माध्यम से व्यवसायीकरण के लिए कई MOU साइन हुए हैं ताकि किसानों को ये गुणवत्ता का बीज जाता रहे। जब किसान भाई गुणवत्ता बीज पैदा करता है तो उनको 2-3 बातों को हम कहते हैं ध्यान रखना चाहिए। पालक एक परपरागित फसल है और इसमें परागण का माध्यम हवा होती है और इसका जो मुख्य दुश्मन है, मैं कहूँगा दुश्मन है, जो कंटामिनेंट हो सकता है, वो है जंगली पालक। तो अपने खेत के आसपास में जंगली पालक ना उगने दें या पृथक्करण दूरी के अंदर भी आप पालक पर निगरानी रखें उसको ना उगने दें, क्योंकि आपस में क्रॉस करके आपके किस्म की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। दूसरी बात है, जब फसल पुष्पन की अवस्था में होती है तो इसका तना कमज़ोर होता है और ऊपर जब बाहर हो जाता है गिर जाता है और उसके बाद कटाई में बड़ी कठिनाई होती है, लेबर ज़्यादा लगती है या जो अच्छी गुणवत्ता का बीज है वो झड़ जाता है। ऐसे में एक कटाई जब हम पालक की बुआई करते हैं बीज उत्पादन के लिए तो कम से कम 1 और अधिकतम 2 कटाई हमको करनी चाहिए ताकि उसकी वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। और पानी की सिंचाई की संख्या को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब तेज़ हवा होती है उस दिन जो है हम पानी ना लगाएं, अगर तब पानी लगाते हैं तो इसके गिरने की संभावना, गिर जाता है तो उससे बीज उपज में भी कमी आती है, बीज की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और काफ़ी बीज ज़मीन पर गिर जाता है। तो इन बातों को अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से वो पालक का बेहतर गुणवत्ता का बीज बना सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि 1 हेक्टेयर से किसान 25 से 30 क्विंटल तक पालक का बीज ले सकता है और उसकी 2 कटाई भी ले सकता है, जिससे उसकी उत्पादन की जो लागत है वो पत्तियों की बिक्री से निकल जाती है और बाकी बीज उसको उसके लाभ का माध्यम बन जाता है। जी, तो यहाँ देखिए डॉक्टर तोमर ने हमें बताया किस तरीके से जो पालक का बीज है उसका आप ना सिर्फ कैसे आप कोशिश कर सकते हैं कि अच्छे उपज उसके ज़रिए आपको मिले, बल्कि अच्छे बीज के लिए आपको किन बातों का यहाँ ख्याल रखना होगा। इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियाँ लेकर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।